आप एक दिन में कितना वक्त न्यूज को देते हैं? न्यूज को नहीं, खबर झकझोरती तोड़ती नहीं जोड़ती है। हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे जमीर, सरोकार और जिम्मेदारी का जुनून, यही है हमारी पहचान। क्योंकि खबरों की तह तक जाते हैं हम, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास पुलिस तथा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई में कोचस थाना कांड संख्या 28/21 दिनांक 28/2/2021 की हत्या कांड में फरार चल रहा दो अभियुक्त 50,000 रुपये का इनामी को किया गिरफ्तार। आपको बता दूं कि दिनांक 27/2/2021 को परसथुआ ओपी थाना अंतर्गत परसथुआ निवासी संजीव मिश्रा उर्फ गुमती मिश्रा को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कुछ थाना कांड संख्या 28/21 मामला दर्ज किया गया था। रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए इस कांड में शामिल अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने के लिए सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं परसथुआ थाना करागर थाना एवं अन्य योग्य पुलिसकर्मी तथा एसटीएफ टीम को छापेमारी कर गिरफ्तार करने का निर्देशित किया गया। हुआ ओपी अंतर्गत दिनांक 27/2/2021 को परसथुआ निवासी संजीव मिश्रा की अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में परसथुआ ओपी कांड संख्या 28/21 दर्ज किया गया था। यह काफ़ी संवेदनशील मामला था, जिस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें संलिप्त जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार इस मामले में अनुसंधान करके जो भी इसमें शामिल अपराधी हैं उनको शिनाख्त करने का प्रयास किया गया और कुल मिलाकर के दो अपराधकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिनका नाम था निरंजन राय तथा धर्मेंद्र यादव तथा एक तीसरा अपराधकर्मी खुदरा थाना क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम था चंदन यादव और जिसको इस कांड में रिमांड किया गया है। इस मामले में दो अपराधकर्मी अभी तक फरार चल रहे थे, जिसका नाम था सर्वोत्तम कुमार उर्फ चुन्नू राय तथा निशु राय। इस मामले में सर्वोत्तम कुमार उर्फ चुन्नू राय के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी तथा उस पर गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम का प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया था और जिसमें 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ का भी सहयोग इसमें लिया गया था और लगातार जो अपराधकर्मी फरार अपराधकर्मी थे उनकी निगरानी के लिए लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही थी और आज सूचना मिली कि दोनों अपराधकर्मी को देखा गया है, तो उन दोनों अपराधकर्मियों को जिनका नाम सर्वोत्तम कुमार उर्फ चुन्नू राय है तथा निशु राय, इनको एसटीएफ के सहयोग से पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से एक बेहद ही संवेदनशील मामले में दो अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इनका जो आपराधिक इतिहास भी काफ़ी बेहद रहा है, जिसमें जो शराब के संबंध में कांड दर्ज है, हत्या का कांड दर्ज है, इस मामले के अलावा भी पूर्व में आम सेट का कांड दर्ज है, तो इस प्रकार से ये काफ़ी मतलब बड़ा अपराधिक कर्मी था और यह एक बहुत बड़ी सफलता है और इस मामले में अन्य जो कार्रवाई है उसको भी पूर्ण करके जल्द ही इसमें चार्जशीट समर्पित किया जाएगा और सभी अपराधकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जिसका मोटरिंग कथा अनुसंधान एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा किया जा रहा था। इस मामले में पूर्व में 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें कांड के मुख्य सरगना जो सरकार के द्वारा 50,000 का इनामी रखा गया था उसको लेकर प्रारंभिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा एसटीएफ टीम को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया था, जिसे उक्त अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि
हत्याकांड के मुख्य सरगना मोहनिया थाना क्षेत्र में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। इसको लेकर पुलिस के द्वारा घेराबंदी के दौरान सर्वोत्तम कुमार एवं निशु राय को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है, जिसका आपराधिक इतिहास दर्जनों धाराओं के साथ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे रिमांड पर लेकर और आपराधिक घटनाओं को खंगालने में जुट गई है।